वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सैलरी यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों आज हम करेंगे फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड के अनबॉक्सिंग। जो क्रेडिट कार्ड हमें मिला है एक्सिस बैंक की तरफ से, इसे हमने किस तरह से अप्लाई किया था, अप्लाई करने के दो तरीके, जिनके पास ऑलरेडी क्रेडिट कार्ड है वो कैसे अप्लाई करें और जिनके पास क्रेडिट कार्ड नहीं है एक्सिस बैंक का वो कैसे अप्लाई करें। दोनों ही भी वीडियो आप लोगों को ऊपर आई बटन में मिल जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और एंड स्क्रीन में भी मिल जाएगी। तो आज हम इस प्रोडक्ट की मतलब एक्चुअली इस क्रेडिट कार्ड की करेंगे अनबॉक्सिंग और इसके कुछ फीचर्स के बारे में आप लोगों को बताएंगे और इसकी कुछ फीस वगैरह जो होगी उसके बारे में आप लोगों को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को डिटेल्स वीडियो चाहिए इसके बेनिफिट के बारे में तो मुझे वैसा कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों के लिए डिटेल्स वीडियो बना दूंगा। तो दोस्तों फिलहाल रात के बजे लगभग एक बजे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब पे कोई भी इस क्रेडिट कार्ड का अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं है और मुझे सबसे पहले आप लोगों को ये वीडियो देना था। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरी ये मेहनत दिखती है तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक कीजिए। लाइक से क्या होता है दोस्तों, लाइक से कुछ बेनिफिट मतलब डायरेक्टली कुछ नहीं होता, पर इनडायरेक्टली मैं मोटिवेट होता हूँ कि आपके लिए मैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो लेके आता हूँ। तो हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की और इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं। तो दोस्तों कार्ड की पैकेजिंग कुछ इस तरह से आती है। पैकेट के ऊपर फ्रंट में हमें अंदर की साइड जो लिखा गया हमारा एड्रेस वो दिखता है। कार्ड के ऊपर एक साइड पे फ्लिपकार्ट और दूसरी साइड पे एक्सिस बैंक लिखा हुआ है और उन दोनों के भी लोगो दिखाई है। बैक साइड में अगर डिलीवरी बॉय आप लोगों को डिलीवर नहीं करता तो उसको रिटर्न देने के लिए कुछ जगह दी है। और इस कार्ड का पैकेज कुछ यहाँ पे कुछ अलग नहीं है, हर क्रेडिट कार्ड का पैकेजिंग इस तरह से होता है। तो इसे हम फटाफट से ओपन कर लेते हैं। तो इस पैकेट को हम ओपन कर रहे हैं। तो पैकेट को ओपन करने के बाद देखते हैं, इसे हम थोड़ा सा कटर यूज़ करना पड़ेगा। तो इस पैकेज को हम ओपन कर लेते हैं और इस कटर को कर लेते हैं साइड और देखते हैं इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स रह आता है या फिर कार्ड किस तरह से रहेगा, इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। तो कार्ड को बाहर करने के बाद यहाँ पे इस पैकेट को हम कर लेते हैं साइड और इसके ऊपर लिखा गया है यहाँ पे 5% कैशबैक आप लोगों को फ्लिपकार्ट और मिंत्रा पे मिलेगा, 4% उनके पार्टनर साइट पे और 1.5% एनी अदर साइट पे। यहाँ पे कुछ उनके पार्टनर साइट दिए जिसमें गाना, मेक माई ट्रिप, फ्यूआर, कुछ अलग अलग साइट दिखाई दिए। और आगे के साइड यहाँ पे दिखेगा तो यहाँ पे हमारा एड्रेस प्रिंट है, एक साइड पे एक्सिस बैंक लिखा है। तो इसको हम ओपन करके आप लोगों को दिखाते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पे कुछ दीपिका पादुकोण का जो कि फोटो दिया है जो कि ब्रांड एम्बेसडर है एक्सिस की। और यहाँ पे कुछ आगे के साइड पे लिखा हुआ है अनलिमिटेड कैशबैक। और इसे ओपन करने के बाद कार्ड कुछ इस तरह से दिखेगा, ऊपर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखे पूरी मैं आप लोगों को पढ़ के दिखा दूँगा। तो यहाँ पे जो कार्ड है मेन कार्ड इस तरह से दिखेगा, ऊपर के साइड यहाँ पे इस तरह से दिखता है। तो इसके ऊपर जो कुछ लिखा है मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे। तो ऊपर के साइड पे यहाँ पे कार्ड नंबर इसका दिया है, इसका कार्ड का लिमिट जो है 25,000 है हमारे, इंटरनेशनल लिमिट है इसका 25,000, कैश विड्रॉल लिमिट है 7,500 जिसकी ज्वाइनिंग फीस हमें नहीं लगी है और एनुअल फीस होगी 500 रुपीज़ जो कि उसके साथ GST ऐड होगा 90 रुपये कुछ लगभग, इसका 590 रुपीज़ इसका टोटल चार्जेस लगेगा। यहाँ पे वेलकम कुछ लिखा है और नीचे के साइड पे यहाँ पे कार्ड चिपकाया था जो कार्ड मैंने सेट कर दिया। तो यहाँ पे कुछ उसका मतलब पिन जनरेट करने का प्रोसेस बता है, ATM के थ्रू, iWare के थ्रू या फिर एक्सिस मोबाइल ऐप के थ्रू इस पिन को आप जनरेट कर सकते हो। नीचे के साइड में यहाँ पे लिखा है स्टार्ट बिग शॉपिंग आप फर्स्ट शॉपिंग पे आपको 500 रुपये के फ्लिपकार्ट का वाउचर लिखेगा और फर्स्ट शॉपिंग अगर आप मिंत्रा पे करोगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट मिंत्रा के शॉपिंग के 15% का कैशबैक यहाँ पे मिलने वाला है। ट्रैवल के कुछ ऑफर है उसके बारे में यहाँ पे आप लोगों को डिटेल्स में डिस्कस किया गया है। यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए आप लोगों को गाना का फ्री सब्सक्रिप्शन 6 मंथ का मिल जाएगा। तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ लिखा हुआ नहीं है, मेन बात यही है कि आपको 5% कैशबैक मिलेगा फ्लिपकार्ट मिंत्रा पे। तो यहाँ पे कार्ड कुछ इस तरह से, कार्ड पे मेरी डिटेल्स पूरी तरह से प्रिंट की गई, कार्ड नंबर, कार्ड की वैलिडिटी यहाँ पे है और कार्ड की एक्सपायरी डेट और उसके साथ नाम प्रिंट किया गया। पीछे के साइड CVV होता है जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन की वजह से आप लोगों के साथ शो नहीं कर सकता। और आगे के साइड कार्ड नंबर, नीचे के साइड मेरा नाम और यहाँ पे कुछ डिटेल्स दिए। तो बस दोस्तों आज के अनबॉक्सिंग में इतना ही। डिटेल्स वीडियो आप लोगों को चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डिटेल्स वीडियो लाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।